क्लैरिटी है जी। सबसे पहले तो हुकूमत को बड़ी नाकामी हुई और जीत जो है वो अल्टीमेटली आईन की हुई और जो महफूज रही वो जुडिशरी थी। ये तीन तो बड़ी क्लियर बातें हैं। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि तकरीबन कोई हमें इतला मिली है 80 से ज़्यादा तरामीम थी और उन्होंने कोशिश की कि वो किसी ना किसी तरह नंबर्स इकट्ठे कर लें। बड़ी क्लियरली JUI जो है मौलाना साहब ने बड़ा क्लियरली वाज़े तौर पे कहा कि हम तैयार हैं बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन हमें दिखाएं तो सही, बताएं तो सही क्या हैं। हम हर चीज़ तो नहीं मान सकते आंखें बंद करके। उसके ऊपर फिर बड़ी कोशिश की हुकूमत ने उनको मनाने की, लेकिन वो बड़े वाजे थे। वो उन्होंने कहा जी मैं असूल पर खड़ा हूँ, मैं ये असूल की बात है, मैंने किसी ताकत की बात नहीं मानी। और यही मौक़ हमारा PTI का था कि हम भी असूलों पे खड़े हैं, हमने भी ताकत की बात नहीं माननी और हम इसको अपोज करेंगे। हमने भी अनाउंस किया था, कल हुकूमत बड़ी परेशान थी, उन्होंने अजीबोगरीब बात की कि पूरी मीटिंग की और मीटिंग में डिस्कशन करनी थी आइनी तरामीम की, लेकिन कोई ड्राफ्ट तो दूर की बात है, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं किया, कोई कागज़ भी नहीं, कोई कागज़ का टुकड़ा भी नहीं दिखाया, खाली हवा में बातें की। तो ऐसी तो बातें नहीं होती हैं सियासत में। अगर आपने कोई बात वाकई कौम के फ़ायदे के लिए करनी है तो कम से कम ड्राफ्ट शेयर करते सबके साथ, पब्लिक ओपिनियन में हम जाते। आपको पता है कि जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो 77 मीटिंग्स हुई, एक बाकायदा कमेटी बनी, उन्होंने 550 घंटे की डिलिब्रेशन की। हर मीटिंग के बाद जो 5-5, 6-6 घंटे की होती थी, हर पोलिटिकल पार्टी अपनी लीडरशिप से डिस्कस करती थी, फिर जाके वो 18वीं तरमीम हुई। ये तो रात के अंधेरे में चुप करके, खुसर करके, चुपके से कोशिश की गई थी। इसने नाकाम होना ही था। पॉलिटिशियंस हैं आखिर, और ये मजाक तो नहीं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, रुकने असेंबली हैं, ये तो नहीं कि वो रबर स्टैंप हैं कि जो मर्ज़ी हुकूमत ने दे दिया मान लिया। तो इसलिए नाकामी बहुत बड़ी है। और जैसा मैंने कहा, फतह पार्लियामेंट की है, आइन की है और हिफाजत जुडिशरी की हुई है। आप क्या समझते हैं कि ये चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने के लिए सब कुछ किया जा रहा था कि कुछ और भी मुहरिकात इसके पीछे थे? जी, मेरा ख्याल है ये इनका जो एम बहुत सारे इनके थे, अगर अमेंडमेंट्स देखें तो उसमें सिर्फ जुडिशरी का टारगेट नहीं था, इसमें रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बालादस्ती भी टारगेट पे थी, उसको भी ख़त्म करना चाह रहे थे, उसमें भी मिलावट करना चाह रहे थे। बहुत सारी शिकें थीं जो कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट थी जो लाना चाह रहे थे, बहुत सारी शिकें थीं जो एंटी जुडिशरी थी यानी अदालत और निज़ाम के ख़िलाफ़, बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट थी जो अदालत के बहुत सारे फैसले जो किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको ख़त्म करने के लिए थी। तो इन्होंने हर कोशिश की थी कि वो एक मिक्सचर कर दें, दाल भी, रोटी भी, चावल भी, कढ़ाई भी, सब कुछ अंदर डाल के मिक्स करने की कोशिश की थी। अमेंडमेंट्स इस तरह नहीं होती। सर, आपकी बात से लग रहा है कि खिचड़ी बनाना चाह रहे थे। खिचड़ी तो सर, ये खिचड़ी तो फिर भी अच्छी होती है, खाई जा सकती है। खिचड़ी बनाने के चक्कर में सर ये कल इतनी बौखलाहट का शिकार क्यों थे और इतनी जल्दी में क्यों थे सर? उनको ख्याल था या उनको इंश्योरेंस मिली थी कि पार्लियामेंटेरियन सारे मान जाएंगे और मानने के बाद वो पास कर देंगे, लेकिन इस तरह होता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये हुकूमत भी इस तरह चला रहे हैं, नो वंडर हमारा इकॉनमी का भी मसला, हमारे मईशत का भी इतने मसाइल हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी के भी इतने मसाइल हैं। इनको घबराहट थी और जब घबराहट होती है इंसान को तो दिमाग जो है ठीक तरह काम नहीं करता। तो इस वक्त यही पोजीशन लग रही थी रात को, जिस तरह वो बातें हो रही थी कमेटी में, मुझे यही लग रहा था कि शायद परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि दिमाग ठीक तरह काम नहीं कर रहा। अली जफर साहब, क्या PTI वोकला की होने वाली अब तहरीक जो 19 तारीख को शुरू हो रही है, क्या इसको सपोर्ट करेगी? जी देखें, अब तो बुकला ने तो अपनी क्लियरली एक मौक़ ले लिया है, लेकिन अब जो नाकामी हुई है हुकूमत की, उसके बाद तो मेरा ख्याल है हुकूमत को खुद ही चाहिए कि जो बुकला की डिमांड्स हैं उसको उसके मुताबिक एक्ट करें और नोटिफाई करें मंसूर अली शाह साहब को एज चीफ जस्टिस और आगे चलाएं निज़ाम को। सर लेकिन जो वो पैकेज बता रहे हैं सीनियर जजेस का, जस्टिस आयशा भी तो वहाँ से सुपरसीड करके आई ना, फिर लाहौर से जो आई थी सुप्रीम कोर्ट में, इस बारे में क्यों नहीं इतराज़ किया लोगों ने? जी देखें, जहाँ तक मामला है कि पैकेज में है क्या, वो तो अभी तक पता नहीं चला। वो जो पैकेज जो भी था 80-90 तरमीमों का, जिसमें तरामीम थी 80 से ज़्यादा, वो तो ख़त्म हो गया, वो तो फाइनल इशू ओवर हो गया, गेम ख़त्म, गेम ओवर, मैच सेट फिनिश्ड। लेकिन अब जो नया लेके आते हैं फिर देखेंगे, हम बात करते हैं
सोचते हैं, फिर आपसे भी गुफ्तगु करेंगे, पब्लिक को अच्छा, भी अगर कल को ये अटेम्प्ट कामयाब हो जाती है तो क्या पीटीआई इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी या पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को हल किया जाएगा? जी देखिए, अभी फ़िलहाल तो ये पार्लियामेंट से पहले निकलेंगे, नंबर्स आएंगे, सारी जमातें जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, जो अपोजिशन की भी जमातें इनके साथ जाना चाहती हैं, उनको कन्विंस करेंगे, आमादा करेंगे, फिर आप आगे चलेंगे। अब तो दूर का अभी फ़िलहाल का जो ख़तरा था वो तो टल गया। अच्छा सर, वकला पे बड़ी तनकीद की जा रही है कि जब नाकाम हो गई है, हुकूमत को नाकामी का सामना है, तो वकला क्रेडिट लेने के लिए आ गए हैं, उससे पहले वकला की जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, कोई बयान नहीं दिया गया, ये आपकी पार्टी के भी लोग तनकीद कर रहे हैं। ऐसी वो तनकीद तो हर चीज़ की होती है, तनकीद करना हर एक का हक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप वकला को समझें कि वो कोई पीछे रह गए हैं। वकला हमेशा फोर फ्रंट भी रहते हैं, आगे ही रहते हैं। मैं एक वकील की हैसियत से आपको बताऊं कि जब हमारी कोई भी इशू होता है जिसमें आज़ादी जो है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, अदलिया की या निज़ाम की बात होती है, तो जो भी कौम की बेहतरी होती है हम हमेशा उसके साथ खड़े होते हैं, ना किसी जज के साथ खड़े होते हैं, ना किसी पर्टिकुलर जुडिशरी के साथ खड़े होते हैं, हम सिर्फ असूलों पे खड़े होते हैं, और यही आप देखेंगे कि हमेशा पार की तरफ से यही आपको मिलेगा। बहुत शुक्रिया।